हाय गाइस, वेलकम टू आर्म रेसलिंग अहमद। मैं हूं आपका दोस्त अहमद रजा और ये मेरा भाई है। तो मेरे कमेंट बॉक्स में दो तीन कमेंट आते हैं कि मुझे हुक ट्रेनिंग कैसे कर सकते डंबल का, और एक भाई ने पूछा था कि हुक का ट्रेनिंग कैसे कर सकते बैंड से और डंबल से। तो आज हम वही ट्रेनिंग आपको शो करेंगे, तो चलते हैं अपना वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हम हुक ट्रेनिंग का आपको अपना हुक के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो हुक जो है, आपको जैसे पता है कि हुक में साइड प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास सारा इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ आप देख सकते हैं कि डंबल है और ये प्लेट्स है। और हुक ट्रेनिंग के लिए चीट कर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एट द सेम टाइम डंबल्स से भी आप हुक ट्रेन कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना हुक का ट्रेनिंग। डंबल है तो इसमें क्या है कि आपका बैक प्रेशर भी हुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो ये जो रिस्ट है ना, रिस्ट को हल्का कर्व करके ऐसे करके रखिएगा, आप देख सकते हैं हो गई ऐसे करके और ऐसे। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसलिए कर्ल करें, क्योंकि हुक में क्या है कि आप पंजे जब लड़ाते हैं, जब आप आर्म रेस्लिंग करते हैं, चढ़ जा करते हैं सिंपल लेवल, तो आपका अगर अगर कर्ल रहेगा तो इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा वेट आप अगर यहाँ पर लेते हैं, प्रेशर आपका रिस्ट पे आपका पाम पे पड़ेगा तो ये स्ट्रांग होगा, अगर आप प्रेशर को झेल पाते हैं तो। ये टेक्निक है, चलिए आप फिर से करते हैं। ये जो ट्रेनिंग है हुक के लिए मैं करता हूँ, क्योंकि नेचुरली जो है मेरा हुक स्ट्रांग है, टॉप रोड उतना स्ट्रांग नहीं किया। आप वीडियोस में देख होंगे कि टॉप रोड में इवन जो बंदे का अगर हाथ छोटा भी है तो मुझे इजीली जो है मुझे हुक पैन में वो मजबूर कर देता, फोर्सली मुझे हुक पैन में मजबूर कर देता। टॉप रोड नेचुरली नहीं है मेरा, तो हुक एक बहुत ही अच्छा मतलब ट्रेनिंग है। ओके, तो आप तो ये मैं कैसे करता हूँ बता रहा हूँ। ये जो है ना, मैं तीन सेट करे करता हूँ, तीन सेट। पहला सेट में लाइट वेट लेता हूँ, लाइट वेट में ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर लो, जैसे 30-35, अगर 10 किलो का है तो 20-25 बार रिपीटेशन करता हूँ। फिर उससे हेवी, जितना हेवी लेंगे वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो हेवी लीजिए, कम रिपीटेशन भी तो नो प्रॉब्लम, आपका जो भूख है वो स्ट्रांग होगा। तो अब हम आते हैं चीट कर्ल की तरफ। इसमें क्या कि ये जो है ना, ये आप कैसे रखें कर रखना, देखिए कर रखना, देखिए कर रखेंगे और स्ट्रेट होके ये हुक के लिए चीट कर्ल भी जो है, और आपका कोशिश की जाएगी आपका ये जो रॉड है ना, ये बार बार मिलता है। तो मैं ये तीन सेट करता हूँ, पहले सेट में लाइट वेट से अपना वेट जो है इंक्रीज करता हूँ। वेट इंक्रीज इसलिए करना चाहिए कि आपका ही जो हुक है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग मैं नॉर्मली करता हूँ अपने हुक के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग हुक के लिए, मैं बता रहा हूँ क्या। ये जो है, आप कोई भी टेबल पर रखिए अपना एल्बो को, ऐसे डंबल पकड़ी कर अच्छा करके। इसकी मैं फायदा बता रहा हूँ, इसमें फायदा दो, एक तो आपका हुक स्ट्रांग होगा, और दूसरा फायदा ये है कि आपका जो बैक प्रेशर है वो भी स्ट्रांग होगा, वो भी उसमें बिल्ड होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे रिलीज करना होता है। रिलीज करके थोड़ा देर बाद आपको रोकना है डंबल को, ताकि आपका आपके जो प्रेशर है बैक प्रेशर वो स्ट्रांग हो, फिर आपको कर्ल करना है। उससे क्या है कि आपका बैक प्रेशर एंड एट द सेम टाइम आपका हुक
ये दोनों ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड में मेरा जो लास्ट वन ऑफ द बेस्ट, ये तो लाइट वेट है, प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। आपका प्रोनेशन और टॉप दोनों, तो ये सारा कुछ एक्सरसाइज है आपका हुक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, चंबल अवेलेबल आपके घर में होगा, नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए। कम बजट में आप अपने हुक का ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना गली मोहल्ला में या फिर जो क्लब में जो होता है फाइट, पावरलिफ्टिंग फाइट, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा बोलने की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी मैं टेबल चैलेंज का जो फेमस प्रोनेशन लिफ्ट है वो मैं करने वाला हूँ। ये 20 के है टोटल, 20 के है वाला। मैं कोशिश करता हूँ, ये बहुत दिन बाद में कर रहा हूँ, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट ये हो जाए। देखा कि प्रोनेशन लिफ्ट किया और 20 केजी इजी था, मुझे लगता है कि 30 केजी में मैं कर लूँगा आराम से, क्योंकि मैं अभी बस अपने आम मशीन की इनिशियल स्टेज में ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन 20 केजी बहुत इजी था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कीप सपोर्टिंग।